हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दर्पण ऑफ ज्ञान। माय टुडेज टॉपिक ऐसी प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ये ऐसे का टॉपिक 12th क्लास यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। द टर्म वाइल्ड लाइफ मीन्स दैट अनटेम्ड एंड undomesticated animals like tiger, lions, leopard, etc. living a free life in forest, valleys or hills। जो वाइल्ड लाइफ है उसका मतलब होता है ऐसे जानवर जो पालतू नहीं होते, जिन्हें पाला नहीं जा सकता, जो घरेलू नहीं होते, जैसे कि टाइगर, शेर, चीता, बाघ इत्यादि, जो फ्रीली लाइफ रहते हैं अपनी जंगलों में, वे पहाड़ियों पर। इन द बर्ड्स इट फॉर्म्स इन अ पार्ट ऑफ एनिमल वेल्थ ऑफ कंट्री। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो एनिमल वेल्थ है वो देश का दूसरा पार्ट है। मैन हैज़ हंटेड वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड। और जो आदमी है वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करता है, जंगली जानवरों का शिकार करता है भोजन के लिए। द एडवेंचर ऑफ greed of money, this has resulted in disappearance of many species of wildlife। और इसका नतीजा ये है, इस लालच का नतीजा ये है कि जो बहुत सारी नस्लें हैं, जो प्रजातियां हैं जानवरों की, वो गायब होती जा रही हैं। He kills tigers, lions, crocodiles and deer for their tusks। The greed has increased so much that many species are almost extinct। Existing deforestation is also a cause of disappearance of wild animals। और इसका परिणाम ये होता जा रहा है कि जो जंगली जानवर मारे जा रहे हैं, चीता, शेर और मगरमच्छ वगैरह, तो इस लालच का परिणाम हो रहा है। ये लालच इतना बढ़ गया है कि इससे बहुत सारी जो जानवरों की नस्लें हैं वो लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं, वो विलुप्त होती जा रही हैं। और जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो इसका सबसे बड़ा कारण है, जिससे वाइल्ड जो जंगली जानवर हैं वो डिसअपीयर होते जा रहे हैं। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स अट्रैक्ट अस विद देयर ब्यूटी। और जो वाइल्ड जंगली जानवर होते हैं और जो पक्षी होते हैं वो हमें अपनी सुंदरता से अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। दे गिव अस इमेंस एंटरटेनमेंट इन सर्कस और इन जू। और वो हमें बहुत ज़्यादा आनंद देते हैं चिड़ियाघरों में और सर्कस में, बहुत ज़्यादा हमें आनंदित करते हैं। दे आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय टू चिल्ड्रन। और वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जॉय का, जो आनंद का है ना, बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। पोएट्स एंड राइटर्स हैव बीन इंस्पायर्ड बाय देम। और जो पोइट और राइटर्स हैं वो उनके द्वारा इंस्पायर करे जाते हैं। दे हैव रिटन पोएम्स एंड आर्टिकल्स ऑन देम। और वो पोएम्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं उनके ऊपर। दे समटाइम्स बिकम मैनिक व्हेन दे कॉज लॉस टू ह्यूमन लाइफ। और वो कभी कभी ह्यूमन लाइफ का बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। एफर्ट्स वर मेड टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज पास्ड इन 1972। और जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर हैं, उनके बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1972 में वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्ट पास किया है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द स्पेसिस ऑफ एनिमल्स विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ डिसअपीयरेंस। और इसमें ऐसी जो नस्लें हैं जानवरों की, ऐसी नस्लें हैं जो लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो एकदम डिसअपीयर होती जा रही हैं, उनके लिए बचाव का कार्य किया जा रहा है। सम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड द वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इंडिया आर ऑल्सो डूइंग प्रेजवर्थी वर्क इन दिस फील्ड। और कुछ जो ऐच्छिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो संगठन होते हैं, जैसे कि बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इन क्षेत्र में भारत बहुत ज़्यादा प्रशंसा योग्य कार्य कर रहा है इस क्षेत्र में। इट इज़ विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ एनिमल वेल्थ ऑफ नेचर दैट 207 सेनेटरीज एट
केवला देव एट भरतपुर इन राजस्थान नॉन एस घाना पक्ष विहार आर सम ऑफ दिस एग्जाम्पल्स। और इस जो इसका उद्देश्य है वाइल्ड लाइफ को जो वाइल्ड लाइफ होती है जो जंगली जानवर हैं उनके बचाव के लिए जो सरकार का उद्देश्य है तो 207 जो जिसमें 207 चिड़ियाघर जिनमें जिनमें पशु पक्षी रहते हैं उनमें एक सबसे बड़ा है केवला देव एट भरतपुर एट राजस्थान, इसको घाना पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। ये इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। ये यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जा रही है। वाइल्ड लाइफ मस्ट बी प्रिजर्व्ड बिकॉज सम वाइल्ड एनिमल्स वर्क एज नेचुरल स्कैवेंजर्स। वाइल्ड लाइफ को इसलिए प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इसलिए बचाव किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं वो सफाई करने वाले होते हैं। दे कीप द एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, और वो वातावरण को प्रदूषण से फ्री रखते हैं। सम ऑफ दीज ने एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ ड्रग्स लाइक इंसुलिन एंड एंटी वेनम। और कुछ एनिमल्स इसमें ऐसे होते हैं जो हमें जो ड्रग्स का मुख्य स्रोत होते हैं, जैसे कि इंसुलिन जो ड्रग्स होता है उसके लिए और एंटी वेनम। इंडिया इज़ फेमस फॉर हर गिर लायंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसके लिए भारत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। द सेनेटरीज आर द सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम बिकॉज टूरिस्ट फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री आर इंस्टिंक्टिवली अट्रैक्टेड टू दैम। और जो जिसमें वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जाता है तो वो सेनेटरी बहुत मुख्य स्रोत हैं आमंदनी का, बिकॉज टूरिस्ट आते हैं बाहर से भी और देश के अंदर से भी, जो ये सेनेटरीज आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर हाईली यूजफुल टू मैनकाइंड, और जो जंगली जानवर और पक्षी होते हैं वो मानवता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। देयर डिसअपीयरेंस विल क्रिएट वॉयड इन नेचर, और उनकी डिसअपीयरेंस से नेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ मेजर्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स किए, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। अ नेशनल स्कीम कॉल्ड द प्रोटेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन, और एक जो राष्ट्रीय स्कीम है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, इसको लॉन्च किया गया है। इससे टाइगर के बचाव पर काम किया जा रहा है और जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको बचाया जा रहा है। इन शॉर्ट वी शुड सेव द वाइल्ड लाइफ द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम एक्सटिंक्शन, और इन संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो हमें वाइल्ड लाइफ का बचाव करना चाहिए, अपने देश की ग्लोरी जो अपनी देश की जो प्रतिभा है उसको बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ को विलुप्त होने से बचाना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉच माई